हेलो गाइस, आई एम अगेन हियर विद अ न्यू हेडिंग दैट इज पीओएसी। द फुल फॉर्म ऑफ पीओसी इज प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। आपने इससे पहले नाम सुने होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जहां पर मास कंजर्व रहता है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किसी मॉलिक्यूल का चार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ नेगेटिव कंजर्व रहता है। वैसे ही होता है नंबर ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, किसी भी रिएक्शन में कोई भी एटम रिएक्टेंट साइड जितनी टाइम्स है वो प्रोडक्ट साइड जाकर के कंजर्व रहता है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली चेक कर लिया गया है और इसी के बिहाफ पर एक लॉ दे दिया गया, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। मींस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाते समय एटम्स चेंज नहीं होते, एटम्स चेंज नहीं होते। इसके बिहाफ पर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाने जा रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट देखिएगा। इससे पहले हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल लगाए हैं वो लगाए थे मोल कॉन्सेप्ट पर, उसके बाद लगाए थे लॉ ऑफ मिलीक्वलेंस पर। उन दोनों के साथ अपनी एक शर्त थी, जब आप न्यूमेरिकल लगाते थे मोल कॉन्सेप्ट पर तो इसकी शर्त यह थी कि आप यह कॉन्सेप्ट तभी लगा सकते हैं जब आपको रिएक्शन पहले से बैलेंस्ड दी जाए। इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, और बैलेंस नहीं दी गई तो आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि आप रिएक्शन बैलेंस ना कर पाए, तो मैंने आपको वो दूसरा मेथड दे दिया था जिसका नाम था लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंस। मैंने कहा था अगर आप मोल कॉन्सेप्ट ना लगा पाए तो लॉ ऑफ मिलीक्वलेंस लगा दे, क्योंकि इस वाले लॉ में एक फायदा यह था कि आपको यहां रिएक्शन बैलेंस नहीं करनी होती थी, लेकिन इस प्रोसेस में आपको एक काम जरूर करना पड़ता था, वो था इक्विवेलेंट वेट। आपको यहां इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ता था और इक्विवेलेंट वेट बराबर होता था मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। मीन्स यहां से यहां पर आने पर एक फायदा तो हुआ कि अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो मेरा काम चल जाएगा, लेकिन एक चीज मुझे थोड़ा सा दुख पहुंचा रही थी और वो था मेरा एक्स। हो सकता है मैं किसी क्वेश्चन में एक्स ना निकाल पाऊं, या आपको लगे कि इस क्वेश्चन में मुझे एक्स समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप लॉ ऑफ मिलीक्वलेंस नहीं लगा पाएंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट तब लगाएंगे जब रिएक्शन बैलेंस्ड होगी, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट यही होता है, सबसे आसान यही होता है। लेकिन अगर बैलेंस नहीं है और आप बैलेंस कर भी नहीं पा रहे हैं तो मजबूरी मुझे लॉ ऑफ मिलीक्वलेंस पे आना पड़ता था। यहां पर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ता था, यहां पर आपको एक्स निकालना आना चाहिए, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन आपको आज दिखाऊंगा जहां पर एक्स निकालना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ना वहां पर रिएक्शन बैलेंस होगी और ना आपको एक्स मालूम होगा। तो अब आप नए लॉ की तरफ जाएंगे जिसका नाम है पीओएसी। इसका सही मजा कब है, जब ना तो रिएक्शन बैलेंस हो, मींस रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में भी ना दी गई हो और आपको उसका एक्स निकालना भी ना आता हो। अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आप ना मोल कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे ना लॉ ऑफ मिलीक्वलेंस लगा पाएंगे, फिर आप कर लीजिए यूज पीओएसी। वैसे आप पीओसी कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो सही यूज है, जो इसका मजा है, वो इन रिएक्शनों में देखने को मिलता है। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं पीओसी के बारे में। देखिए तो पीओसी के बारे में प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, देखिए पीओसी को पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं ये वर्क कैसे करता है। सपोज करिए मैं आपसे कहूं पोटेशियम क्लोरेट को यदि गर्म कर दिया जाए तो ये कन्वर्ट होता है केसीएल और ऑक्सीजन में। जस्ट सपोज ये रिएक्शन दी है, अभी मैंने बहुत छोटी सी रिएक्शन दी है, अभी आने वाले समय में मैं टफ क्वेश्चन दूंगा आपको और वो भी बहुत आराम से आप लगा ले जाएंगे। फिलहाल सपोज करिए आपको इसको बैलेंस करना नहीं आता है, जस्ट सपोज आप इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट सपोज आप इस क्वेश्चन का इक्विवेलेंट वेट नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि आपको इसका एक्स नहीं मालूम है। अगर मैं ये सपोज कर लूं तो मैं पीओएसी की तरफ बढ़ सकता हूं। जब मैं पीओएसी लगाता हूं तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का फंडा यह कहता है कि यहां पर जितने एटम आपको पोटेशियम के दिख रहे हैं वो सारे के सारे पोटेशियम यहां पर आकर कंजर्व हो गए हैं। अच्छा एक बात और है, ये आप लॉ तभी लगा सकते हैं जब ये पोटेशियम खाली यहां पर पाया जाए, इसके अलावा कहीं और ना पाया जाए।
अगर किसी क्वेश्चन में ये पोटेशियम यहां के अलावा कहीं और पाया गया तो फिर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन नहीं लगा पाएंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि यहां के सारे ऑक्सीजन यहां पर जाकर कंजर्व हो गए, ऑक्सीजन यहां के बाद यहीं पर गया है और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा है तो आप पीओसी लगा सकते हैं ऑक्सीजन के ऊपर भी, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ये वाला ऑक्सीजन यहां पर भी होता और आगे भी कहीं और दिखाई दे रहा होता तो फिर आप पीओएसी नहीं लगा सकते। मतलब पीओएसी एक रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन पर लगाया जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये वाला सीएल यहां पर जाकर कंजर्व है, सीएल यहां से निकला यहां गया और कहीं नहीं गया, तो आप सीएल के ऊपर भी पीओएसी लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये सीएल यहां के अलावा कहीं और आगे दिखा, यहां भी दिखे और आगे भी दिखे, तो फिर आप पीओएसी अप्लाई नहीं कर सकते। अब सपोज करिए मैं आपसे कहूं कि पीओएसी अप्लाई करिए ऑन पोटेशियम, तो आप इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? सपोज करिए आपने पीओसी अप्लाई किया ऑन पोटेशियम तो फॉर्मूला कैसे बनेगा देखिएगा। तो आप कहेंगे पोटेशियम यहां पर है और यहां पर है तो पीओसी इसके और इसके बीच लगेगा, तो आप बोलेंगे मोल्स ऑफ केसीएलओ थ्री बराबर मोल्स ऑफ केसीएल, मोल्स ऑफ केसीएलओ थ्री बराबर मोल्स ऑफ केसीएल। हम बात किस पे कर रहे हैं? पोटेशियम पर। पोटेशियम यहां कह रहा है वन टाइम है, सो इट इज मल्टीप्लाइड बाय वन, मतलब मेरा फोकस पोटेशियम के मोलों पर है, केसीएलओ थ्री में पोटेशियम के एक मोल है, और वैसे यहां पर पोटेशियम कह रहा है वन टाइम है, तो आप इस वाली वैल्यू को यहां पर भी वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका पीओएसी ऑन पोटेशियम बन गया। भी देखिए पकड़ में आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको फॉर्मूला बनाना है पीओएसी का ऑन सीएल, अगर आपको सीएल पे बनाना है तो सीएल यहां पर भी है और सीएल यहां पर भी, तो अब आप लिखेंगे मोल्स ऑफ केसीएलओ थ्री बराबर मोल्स ऑफ केसीएल, तो आप यहां लिखेंगे मोल्स ऑफ केसीएलओ थ्री बराबर मोल्स ऑफ केसीएल। लेकिन आप पीओएसी सीएल पे पढ़ रहे हैं तो सीएल यहां पर भी एक बार है और सीएल यहां पर भी एक बार है, तो जितने बार एटम होगा उतने बार आगे मल्टीप्लाई कर दो, तो वन टाइम ये आ गया वन टाइम ये आ गया, मतलब ये जो मोल आपको दिख रहे थे वो तो केसीएलओ थ्री के थे, जब आपने वन से मल्टीप्लाई किया तो मैंने कहा कि मैं सीएल के रिस्पेक्ट में पढ़ाई कर रहा हूं, यहां पर ये जो मोल दिखाई दे रहे हैं वो केसीएल के हैं, वन से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं सीएल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, शायद समझ में आया हो। अब देखो पकड़ में आएगा, अगर मैं पीओएसी ऑन ऑक्सीजन एटम लगा रहा होता तो ऑक्सीजन एटम यहां पर है और यहां पर है तो मोल्स किसके बराबर हो जाएंगे? तो आप कहोगे मोल्स ऑफ केसीएलओ थ्री इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये बोलोगे। अब ये तो मोल्स केसीएलओ थ्री के हैं लेकिन क्वेश्चन तो आप ऑक्सीजन के एटम पर लगा रहे हैं, कंजर्व तो बोल रहे हैं ऑक्सीजन का एटम है, तो यहां पर ऑक्सीजन का एटम कै बार है? थ्री टाइम्स है, सो मल्टीप्लाइड बाय थ्री, और यहां पर ऑक्सीजन का एटम कै बार है? दो बार है, सो मल्टीप्लाइड बाय टू। ये देखिए ये जो आपको मोल दिख रहे हैं वो तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के हैं, आपको एटम कंजर्व कराना था तो यहां पर एटम कितने हैं? दो, और यहां पर एटम कितने हैं? तीन। अगर आप ऐसा कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो हम कहते हैं आप प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम कहेंगे आप प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक, ओके। तो अब इस कॉन्सेप्ट पर मैं आपको न्यूमेरिकल लगाकर दिखाता हूं, इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि आप प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन तभी लगाएंगे जब कोई एक एटम रिएक्टेंट साइड से उठ करके प्रोडक्ट में जाए लेकिन वो केवल एक ही जगह दिखाई दे। अगर वो एटम एक से ज्यादा जगह दिखाई देगा तो आप प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन नहीं लगाएंगे। और इसका मजा कब आता है? जब ना रिएक्शन बैलेंस्ड हो, ना हम बैलेंस कर पाए और ना ही हम उसका एक्स निकाल पाए ताकि हम लॉ ऑफ मॉलिक्यूल्स लगा सके। तो जब लॉ ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ना लगे, बैलेंसिंग भी नहीं है, तो मोल कॉन्सेप्ट भी ना लगे, तो लगाते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो शुरू का एग्जांपल छोटा सा बड़ा आसान सा दिया है, वैसे आप इस न्यूमेरिकल को मोल कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं लेकिन आज का कोई भी न्यूमेरिकल में मोल कॉन्सेप्ट से नहीं लगाऊंगा। इवन तो लग सकता है आज का एक आध न्यूमेरिकल मिलीकुल से भी लग सकते हैं लेकिन मेरा फोकस आज केवल लॉ ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन पर होगा।
मैं हर क्वेश्चन को एटॉमिक कंजर्वेशन से लगाऊंगा। आप ये मत सोचिएगा कि सर ये तो मोल से भी लग सकता है, एकाध एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल ऐसे होते हैं न्यूमेरिकल्स के कि वो मोल कॉन्सेप्ट से भी लग सकते हैं, वो लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर से भी लग सकते हैं और वो पीओएसी से भी लग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, मैं चाहूं तो इन दोनों क्वेश्चनों को मोल कॉन्सेप्ट से भी लगा सकता हूं, लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर से भी लगा सकता हूं और पीओएसी से भी लगा सकता हूं, लेकिन आज मेरा फोकस केवल पीओएसी पर होगा। तो सबसे पहले व्हाट अमाउंट ऑफ सीएओ विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम, मतलब मेरे पास एक कैल्शियम है जो आगे जाकर कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, कह रहा है कैल्शियम का वेट 1 ग्राम है, बताओ इसका वेट कितना होगा। हो सकता है ये न्यूमेरिकल मोल कॉन्सेप्ट से लगा ले, हो सकता है लॉ ऑफ से भी, लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर से भी लगा ले, लेकिन आज मैं आपको पीओसी समझा रहा हूं। तो आप देखिए यहां पर ये कैल्शियम यहां के अलावा कहीं और नहीं गया, इसका मतलब यहां पर कैल्शियम एटम क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाकर के क्या हो गया, कंजर्व्ड हो गया। इसलिए आप कह सकते हैं यहां पर मोल्स ऑफ कैल्शियम बराबर मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन आपको एटम पे ध्यान देना है, यहां पर कैल्शियम कई बार है, एक बार तो मल्टीप्लाई बाय 1, यहां कैल्शियम कई बार है, एक बार मल्टीप्लाई बाय 1। मोल के आपको फॉर्मूले मालूम है, अप्लाई कर दीजिए। तो मोल का फॉर्मूला हो गया वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, यहां पर भी हो गया वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, कितना वेट है 1, कैल्शियम का एटॉमिक वेट दैट इज 40, यहां पर इसका वेट आपको निकालना है, कैल्शियम 40 ऑक्सीजन 16 दैट इज 46 दैट इज 56। अब आप वेट निकाल लीजिए तो वेट बराबर हो जाएगा 56/40, और 56/40 करोगे तो आंसर आएगा 1.4 ग्राम इज योर आंसर, 56/40, यस 1.4 इज योर आंसर। तो ये लगाया मैंने मोल कॉन्सेप्ट से, इवन दो इसे लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर से या पीओसी से भी लगा, सॉरी लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर से या मोल कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं, लेकिन आज मैं इस क्वेश्चन को उन दो मेथड से सॉल्व नहीं कर रहा हूं ताकि आपका फोकस केवल पीओसी पे रहे। नेक्स्ट, अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूं, अ सैंपल ऑफ KCO3, मेरे पास KCO3 है जिसको डिकम्पोज करने के बाद वो KCl और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, ना मुझे मान लेता हूं बैलेंस करना आता है, ना मैं इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल पा रहा हूं। वो कह रहा है ऐसा करने पर ऑक्सीजन गैस जो यहां से निकलती है वो 448 ml निकलती है और वो भी STP पर निकलती है। यदि ऐसा है तो बताओ वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, यदि ऐसा है तो बताओ शुरू में KCO3 कितना लिया होगा और बताओ इस पूरी घटना में KCl क्या बना होगा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको खाली इसकी इंफॉर्मेशन दी है, आपसे ये भी पूछा है इनिशियली, आपसे पूछा बताओ ये इनिशियली कितना होगा और पूछा है कि बताओ इस पूरी घटना में जब ऑक्सीजन ये बना था तो KCl कितना बना होगा। कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन तो आसान है, पहला कर लेते। पहले ऑक्सीजन इसको पता करने के लिए आपको पीओसी लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहां तो सीधा लगा सकते हो। तो क्या ऑक्सीजन के लिए अगर तुम मोल निकालो तो तुम कहोगे ऑक्सीजन के मोल बराबर ऑक्सीजन के मोल, मतलब मोल के बहुत से फॉर्मूले होते हैं, किन्हीं भी दो फॉर्मूलों को बराबर कर सकते हो। तो एक मोल का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और एक मोल का फॉर्मूला वॉल्यूम मेट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर, दोनों फॉर्मूले मोल के हैं। आपसे वो ऑक्सीजन का वेट पूछ रहा है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट आपको मालूम है 32 होता है, आपसे वॉल्यूम मेट एसटीपी आपको दिया है कितना 448 ml, तो नीचे वाली वैल्यू 22,400 ml हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर तुम वेट निकाल लोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर ग्राम में आ जाएगा और आंसर ग्राम में आएगा 448 मल्टीप्लाइड बाय 32 डिवाइड बाय 22400, तो आंसर आया 0.64। यस, तो वेट हो गया इसका 0.64, शायद पहला आंसर आ गया। ये देखिए ये आपका 0.64 पहला आंसर आ गया। अब जब आपको ऑक्सीजन का वेट मिल गया तो आप यहां से इसकी बात कर लीजिए। वैसे मैंने यहां पर मोल कॉन्सेप्ट लगा दिया ऑक्सीजन का, आप चाहें तो
इसके ऊपर और इसके ऊपर आप किस तरीके से मत करिए, आप सीधे यहां से यहां पर अप्लाई करिए, आप सीधे यहां से यहां पर अप्लाई करिए, देखिए क्या होगा, ये डाल, ये डाल, चलिए मैं ऑक्सीजन की हेल्प से इसके ऊपर KCl3 की वैल्यू निकाल लूंगा और POC निकाल लूंगा, क्या चीज यहां पर और यहां पर कंजर्व है, ऑक्सीजन, तो मैं कहने जा रहा हूं कि मैं ऑक्सीजन एटम को कंजर्व कर रहा हूं, अगर ऑक्सीजन एटम कंजर्व होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा मोल ऑफ KCl3 बराबर मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, कंजर्व कौन है, ऑक्सीजन, यहां 3 टाइम है तो 3 से मल्टीप्लाई, यहां 2 टाइम है तो 2 से मल्टीप्लाई, आपको KCl3 का वेट पूछा है इनिशियली, तो आप मोल के लिए वेट का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, यहां पर हो जाएगा 2, यहां पर मोल के कई फॉर्मूले हैं, अब तुम्हें ऑक्सीजन का वेट भी मालूम है तो तुम चाहो तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लगा दो और चाहो तो वही लगा रहने दो, वॉल्यूमेट्रिक सीपी अपॉन 22.4 लीटर, इससे निकाल चल जाएगा, ये हो गया 3, आपसे वेट पूछा है KCl3 का मॉलिक्यूलर वेट, K का 39, Cl का 35.5, ऑक्सीजन का 48, कितना आएगा बताओ भाई, कितना आ गया, शायद 122 के आसपास आता है, तो ये हो गया, ये कर ले 8, 8, 16, 17, 17 और 5, 22 के 2 हंसे लेंगे तो 3, 3, 6, 4, 10, 2, 12, 122.5, ठीक 122.5, तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट, 2 × 2 निकालना क्या है आपको, निकालना था इसका वेट, वॉल्यूम में डेंसिटी दिया था 448, ऊपर ml है तो नीचे भी ml कर लो, और ये लीजिए सॉल्व कर लीजिए, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ये मालूम चल जाएगा कि शुरू में KCl3 कितना लिया था, और ये क्वेश्चन मैंने बिना बैलेंस करे POC अप्लाई किया है, और अगर गुणा भाग करके देख लीजिए खाली, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 448 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 122.5 डिवाइड बाय 22400 डिवाइड बाय 3, शायद ऐसा कुछ आएगा 1.63 आंसर आ रहा है, ये देखिए 1.63 इज योर सेकेंड आंसर, तो यहां से आप इसका वेट निकालेंगे तो इसका वेट आ जाएगा 1.63 ग्राम। तो पहले क्वेश्चन मैंने क्या करा, मुझे इसका ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम मालूम था, तो मैंने इसी के मोल के 2 फॉर्मूले लगाए, वहां पर मैंने पीओसी नहीं लगाया क्योंकि मुझे और किसी की इंफॉर्मेशन नहीं मालूम थी, तो मुझे ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन ही निकालना था, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वॉल्यूम मालूम है और ऑक्सीजन का ही वेट पूछ रहा है, तो फिर वहां पर पीओसी नहीं लगाया, वहां पर मैंने मोल कॉन्सेप्ट लगाया, अब वो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में KCl3 पूछ रहा है तो लगाऊंगा पीओसी, यहां पर 2 ऑक्सीजन, यहां पर 3 ऑक्सीजन, अब जब ये निकल आया अब मैं ये निकाल सकता हूं, आप इसकी हेल्प से ये नहीं निकाल सकते थे क्योंकि इन दोनों में कहीं पर एटम कंजर्व नहीं है, तो पहले मैंने इससे ये निकाला, जब ये आ गया तो मैं इसके और इसके ऊपर क्या लगा सकता हूं, पोटेशियम पे भी लगा सकता हूं आंसर, और Cl पे भी आंसर लगा सकता हूं, जिस पर भी चाहो उस पर लगा दो आंसर सेम आएगा, साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, जब एटम एक ही है तो आंसर तो एक ही आना, आंसर सेम ही आएगा क्योंकि पोटेशियम भी एक बार है और Cl भी एक बार है। नाउ POC ऑन, चलो मैं Cl लगा देता हूं, तो POAC ऑन Cl, तो आप कहोगे मोल्स ऑफ KCl3 बराबर मोल्स ऑफ KCl, और Cl दोनों साइडों पे 1 टाइम है इसलिए यहां भी 1 से मल्टीप्लाई, यहां भी 1 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट 122.5, और इसका वेट भी अब तक आप निकाल चुके हो, कितना निकाला है 1.634 जो इनिशियली आपके पास था, इसका वेट पता करना है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, पोटेशियम का होता है 39, Cl का होता है 35.5, तो ये हो जाएगा 74.5, सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेगा तो यहां से आंसर आ जाएगा 1.634 मल्टीप्लाइड बाय 74.5 डिवाइड बाय 122.5, तो ये आंसर आया 0.9937, बिल्कुल सही ये आंसर लिखा हुआ है,
0.9937, तो ये देखिए यहां पर आंसर आया 0.9937 ग्राम। ये किसका वेट है? ये केसीएल का वेट निकल आया। यस, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैं सारे क्वेश्चन अभी मोल कॉन्सेप्ट से ना लगा करके पीओएसी से लगा रहा हूं। आपको पीओएसी का यूज अभी थोड़ी देर बाद और अच्छा लगेगा। आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन तो मैं लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर से भी लगा सकता था, ये क्वेश्चन तो मैं मोल कॉन्सेप्ट से लगा सकता था, फिर पीओसी लगाने की क्या आवश्यकता है। मैं पीओसी की प्रैक्टिस करा रहा हूं भी आपको, और कहां उसका मजा आएगा अभी दिखाता हूं। ये डाल रहा हूं, तो मेरा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। ये आ गया पीओसी का मजा। इस क्वेश्चन में पीओसी के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो क्या कहा है उसने, पढ़िए, 27.6 ग्राम K2CO3 जिसका मॉलिक्यूलर वेट 138 है वाज ट्रीटेड बाय अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। गौर करिए, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो रस्ते में क्या क्या बनता है मुझे पता ही नहीं, और जब मुझे पता ही नहीं कि क्या क्या बना तो मैं बैलेंस क्या करूंगा, और जब मुझे पता ही नहीं कि क्या क्या बना तो मुझे क्या पता कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहा है, और जब मुझे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं मालूम तो मुझे क्या पता कि एक्स की वैल्यू क्या है और इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में चूंकि मुझे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ नहीं मालूम है, इसलिए मैं बैलेंस रिएक्शन नहीं कर पाऊंगा, इक्विवेलेंट वेट नहीं निकाल पाऊंगा, तो ना मोल कॉन्सेप्ट लगेगा और ना लॉ ऑफ मॉलिक्यूल्स लगेगा, अब लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। तो वो कह रहा है शुरू में जो मैंने एटम लिया था वो कौन था, वो था K2CO3, और इससे जो कंपाउंड आपने बनाया टू कन्वर्ट ऑल कार्बन, ये देखिए कंजर्व कौन है बता रहा है, कंजर्व कौन है, कार्बन है, टू कन्वर्ट ऑल कार्बन टू दिस कंपाउंड, कैलकुलेट द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, और इसका मास पूछ रहा है। ये 698 इस पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट पेपर में दिया है। तो आप कहेंगे K2CO3 कन्वर्ट हो रहा है K2ZN3 FeCN6 का होल ट्वाइस, ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो रहा है, और रस्ते में सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट है, रस्ते में सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट है, मुझे नहीं मालूम कि रस्ते में क्या क्या हुआ है, बहुत सारी घटनाएं हुई मुझे कुछ नहीं मालूम, तो चुपचाप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम लगा दीजिए। और वो कह रहा है यहां का ये कार्बन एटम और यहां का ये कार्बन एटम कंजर्व है, तो आप कहेंगे सिंस कार्बन एटम इज कंजर्व, इसलिए पीओएसी इज एप्लीकेबल ऑन कार्बन, सिंस कार्बन एटम इज कंजर्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। से खुद बोला है कि सारे के सारे टू कन्वर्ट ऑल कार्बन, टू कन्वर्ट ऑल कार्बन, सब कार्बन एक ही जगह है, इसके अलावा कहीं और नहीं गए, ये श्योर होने के बाद मैं लगा दिया। तो मैं कहूंगा मोल्स ऑफ K2CO3 बराबर मोल्स ऑफ K2ZN3 FeCN6 का होल ट्वाइस। अब एटम गिन लो कितने बार है, यहां पर कार्बन एक बार है तो एक से मल्टीप्लाई, और यहां पर कार्बन 6 से मल्टीप्लाई ये है, और फिर बाहर 2 है, तो इस वाले कार्बन को एक बार 6 से मल्टीप्लाई, एक बार 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर जो कार्बन है वो 12 टाइम है, इट इज 12, बस हो गए। तो आंसर आ गया 1 × वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दिया था 138, और यहां पर ये हो जाएगा 12 × वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दिया है 698, मुझे दिया है K2CO3 27, यहां पर वेट दिया है 27.6, और आपसे इसका वेट पूछा गया, ये है क्वेश्चन, कर लो कैलकुलेशन। तो यहां से आंसर आ जाएगा, तो यहां से आंसर आ जाएगा 27.6 मल्टीप्लाइड बाय 698 डिवाइड बाय 138 डिवाइड बाय 12, तो आंसर आया 11.6। यस, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, तो इसका आंसर आ गया 11.6। तो ये आपका आराम से आंसर आ गया। एक लंबे चौड़े टफ क्वेश्चन को आप पीओसी से कर ले गए, तो पीओसी का मजा यहां पर नहीं था, पीओसी का मजा यहां पर नहीं था, ये तो खाली मैं आपको वार्म अप करा रहा था, चीज समझा रहा था, ये मजा आया पीओसी का। और देखिए इस क्वेश्चन के ऊपर भी बहुत अच्छा पीओसी का लॉजिक लगता है, पढ़िए क्वेश्चन, थोड़ा लंबा है पढ़ लीजिए, इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा अगर आपको पीओसी आती है तो, पढ़ लीजिए।
तो क्वेश्चन दे रखा है इन अ ग्रेविमेट्रिक डिटरमिनेशन ऑफ अ फास्फोरस एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2HBO4, एक कंपाउंड है Na2HBO4 जिसको पानी में घोला गया है, उसके बाद उसको ट्रीट कर दिया गया है अमोनियम आयन से, उसके बाद इसको ट्रीट कर दिया गया है Mg+2 से, और ऐसा करने पर यह कंपाउंड वहां पर बना है Mg NH4 PO4.6H2O वहां बना है। नाउ दिस इज हीटेड और फिर इसको यहां पर गर्म कर दिया गया है, और गर्म करने पर यह डिकम्पोज कर गया है Mg2P2O7 में, यह डिकम्पोज कर गया है Mg2P2O7 में, और आपको इसी का वेट पता करना है, इसका वेट पता करना है। अ सॉल्यूशन ऑफ Na2HPO4 यील्ड इतने ग्राम ऑफ Mg2P2O7, ओके इसका वेट दे रखा है, कह रहा है इस सॉल्यूशन के अंदर जो Mg2P2O7 आया वो आया है 1.054 Mg2P2O7 दिया है। व्हाट इज द वेट ऑफ Na2HPO4? ये 120 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। Na2HPO4 वाज टेकन ओरिजिनली, कह रहा बताओ इसको शुरू में कितना वेट लिया गया होगा। ये क्वेश्चन एक्चुअल में अगर आपको याद हो, अगर आपने अभी तक पढ़ लिया हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप आगे पढ़ेंगे। एक चैप्टर पढ़ाया जाता है आपको परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स का, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा, अगर नहीं होगा तो आगे पढ़ाया जाएगा। वहां पर आपको फास्फोरस की टेस्टिंग पढ़ाई जाती है, और फास्फोरस की टेस्टिंग का ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, जहां पर एक बात कंफर्म है कि जितने फास्फोरस यहां पर होते हैं वो सारे फास्फोरस इस रास्ते से होते हुए यहां तक आते हैं, और यहां के अलावा ये फास्फोरस कहीं और नहीं जाता। जितने फास्फोरस इसके अंदर थे वो सारे फास्फोरस घूमते हुए बहुत सारा काम करते हुए अल्टीमेटली यहां पर आते हैं। तो आप ये कहेंगे कि इस क्वेश्चन में फास्फोरस जो है वो कंजर्व है, जितना फास्फोरस शुरू में था उतना फास्फोरस आखिरी में है। एच के ऊपर अपनी लॉजिक में लगा सकते हैं, शुरू में एच था लेकिन बाद में यहां पर एच नहीं है तो एच पर कंजर्वेशन ऑफ लॉ नहीं लगेगा। शुरू में सोडियम था लेकिन आखिरी में सोडियम नहीं है तो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सोडियम नहीं लगेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि यहां का सारा फास्फोरस यहां पर आकर कंजर्व हो गया। तो आप कहेंगे कि इस पूरे क्वेश्चन में जो पीओएसी लग रहा है, इस पूरे क्वेश्चन में जो पीओसी लग रहा है वो लग रहा है फास्फोरस एटम पर। तो आप कहेंगे फास्फोरस अगर कंजर्व है तो फॉर्मूला लग जाएगा मोल्स ऑफ Na2HPO4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Mg2P2O7। फॉर्म लगा दो, ये हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। फास्फोरस शुरू में कह बार है, एक बार है तो मल्टीप्लाइड बाय 1, और बाद में कह बार है, दो बार है तो मल्टीप्लाइड बाय 2। ये कॉन्सेप्ट हो गया जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं इसके करने के। आपसे शुरू में वेट पूछ रहा है किसका वेट क्या होगा, और NaH2PO4 का मॉलिक्यूलर वेट उसने दिया है आपको 120। यहां पर इसका वेट Mg2P2O7 आखिर में कितना मिला है 1.054, ये मिला है 1.054, इसका मॉलिक्यूलर वेट 222 इंटू 2। सॉल्व कर लीजिए, यह आपका आंसर आ गया। इतने लंबे चौड़े न्यूमेरिकल को पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, एक लाइन में सॉल्व हो गया अगर आपको पीओसी आता है तो आंसर हो जाएगा इसका 1.054 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइड बाय 2 तो ये हो गया 1. तो ये आंसर दिया है, ये ऊपर लिखा मैंने 1.14 इज इट्स आंसर, ये वाला आंसर मैंने लिखा है। तो इसका आंसर आ गया वेट बराबर 1.14। ठीक, ओके ना। अब ये दो क्वेश्चन फिर आसान है, लेकिन मैंने आपको पीओसी की प्रैक्टिस के लिए दे दिया। मेन जो पीओसी का मजा था वो इस क्वेश्चन में था और इस क्वेश्चन में था। यहां पर इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद फास्फोरस फास्फोरस कंजर्व है तो मैंने पीओसी फास्फोरस के ऊपर लगा दिया। अगर फास्फोरस कंजर्व नहीं होता, ये वाला फास्फोरस यहां की बजाय कहीं और भी दिखाई देता, तो मैं उसके ऊपर पीओसी नहीं लगा सकता हूं। नाउ कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम, लाइम का मतलब सीएओ। बढ़िया क्वेश्चन,
यस, कैलकुलेट द रेट ऑफ लाइन CaO जो कन्वर्ट हो रहा है दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट. कैलकुलेट द रेट ऑफ CaO जो कैल्शियम कार्बोनेट के गर्म करने से बना. आपको मालूम है CO2 कैसे निकलती है. एक बार कंफर्म में ध्यान देखो, कार्बन और कैल्शियम में देखो तो यहां का जो कैल्शियम है वो यहां पर आकर कंजर्व है. कैल्शियम यहां से निकलकर इसके अलावा कहीं नहीं गया और आपसे वो इसके बारे में पूछ रहा है कि बताओ ये कितना बना. तो आप पीओसी लगाएंगे कैल्शियम के ऊपर, कार्बन के ऊपर नहीं लगा सकते. लगा सकते हैं, ये वाला कार्बन यहां से यहां पर कंजर्व है. अगर वो इसके बारे में पूछ रहा तो आप पीओसी इसके और इसके ऊपर लगाते, लेकिन चूंकि वो कैल्शियम के बारे में पूछ रहा है तो आप पीओसी इसके और इसके ऊपर लगाएंगे. लेकिन अगर वो ऑक्सीजन के लिए पूछता, यहां तो वैसा निकल ही नहीं रही है, लेकिन यहां पर देखिए आप ऑक्सीजन पीओसी नहीं लगा सकते क्योंकि ऑक्सीजन यहां के अलावा यहां भी है और यहां भी है. जब कोई भी एलिमेंट एक से अधिक जगहों पर पाया जाए, एक से अधिक जगहों पर पाया जाए, तो उसके ऊपर पीओसी नहीं लगता. तो मैं कहूंगा कि मैं इस क्वेश्चन में पीओसी लगाने जा रहा हूं ऑन कैल्शियम एटम. कैल्शियम तरीका क्या है करने का, तरीका है करने का मोल ऑफ CaCO3 बराबर मोल्स ऑफ CaO. अब कितने कैल्शियम दोनों साइड, वन वन. दिस द कॉज इट इज मल्टीप्लाइड बाय वन, वन कैल्शियम मल्टीप्लाइड बाय वन. फॉर्मूला ये हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ये है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट. कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 200 ग्राम कैल्शियम, 200 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है लेकिन वो 95% प्योर है. तो 200 किलोग्राम का मतलब पहले तो ले आओ इसे ग्राम में, तो ये आ गया 200 का, यस 200 किलोग्राम का मतलब हो जाएगा 200 ऐसे, ये 200 और फिर 3 जीरो लगा दिए, ये वैल्यू किलोग्राम में है. लेकिन क्या रहा ये 95% प्योर है, तो इंटू 95% प्योर, तो पहले ये पता कर लो कि ये है कितना. तो सॉल्व करोगे तो यहां से वैल्यू मुझे लगता है 1900 समथिंग आएगी. चेक कर लो, तो यहां से वैल्यू आएगी 200 1 2 3 यस मल्टीप्लाइड बाय 95 डिवाइड बाय 1000 सॉरी डिवाइड बाय 100. तो ये आया 1940 यस, ये आएगा 19 और 1 2 3 4 0 ये इसका प्योर वेट होगा ग्राम में. इसको लाके आ रखो 1 9 1 2 3 4 0 अपॉन कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिकुलर वेट 100. आपसे वो इसका वेट पूछ रहा था और कैल्शियम 40 ऑक्सीजन 16, ये हो गया सॉल्व 56. तो वेट सॉल्व कर लो तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाइड बाय 56 डिवाइड बाय 100. तो ये आंसर आया 106400 किसमें, ग्राम में. तो किलोग्राम में आ सकता है 0.400 किलोग्राम. एंड योर आंसर इज दिस 106.4, इट इज गिवन इन किलोग्राम. ठीक, लास्ट क्वेश्चन, ये बात समझ आ गई ना 95% का क्या मतलब हुआ. 200 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट था लेकिन उसकी जो प्योरिटी थी कैल्शियम कार्बोनेट की वो 95 थी. तो मैंने 95 से मल्टीप्लाई करके पता कर लिया कि प्योर कैल्शियम कार्बोनेट उसके अंदर कितना है. 1 ग्राम एटम, ये 1 ग्राम एटम दिया गया है. 1 ग्राम एटम का मतलब होता है, आपको मालूम होगा मोल कांसेप्ट में, 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल ऑफ एटम. ध्यान रखिएगा 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल ऑफ एटम. कैल्शियम वाज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, फिर ऑक्साइड बनता है, वाज डिसॉल्व इन वाटर टू मेक अ 1 लीटर. ये खास बात है मेरे लिए, 1 लीटर सॉल्यूशन बनता है. व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, पढ़िए क्वेश्चन को अच्छी तरह एक बार और, क्वेश्चन को पढ़िए क्या कहता है. देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, मतलब कैल्शियम मेरे पास 1 मोल है क्योंकि 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल होता है. उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया गया है, ऑब्वियस कैल्शियम ऑक्साइड बना होगा. फिर उसको पानी मिलाकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया गया है. हमारा पूरा फोकस पीओसी पर है,
तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से मैं कह सकता हूं कि जितना कैल्शियम यहां पर था वो सारा कैल्शियम यहां पर आ गया है, इसलिए पीओसी यहां के कैल्शियम और यहां कैल्शियम पर लग सकती है। तो मैं सीधे कहूंगा पीओ एसी ऑन कैल्शियम, तो फॉर्मूला बोलूंगा मोल्स ऑफ कैल्शियम इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मोल्स ऑफ कैल्शियम और फिर उसी में आ गया मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यस, देन व्हाट, मोल्स ऑफ कैल्शियम का फॉर्मूला हो जाएगा, मोल्स ऑफ कैल्शियम का फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता ही नहीं, इसमें सीधा आपको वन मोल दिया ही है तो सीधे लिख दो ये वन मोल। उधर क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, तो आप तो मोल परसेंट लगा रहे, तो पहले मोल निकालो फिर नॉर्मेलिटी देखेंगे। तो अगर मैं मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पता करूं तो आप कहोगे सर इसका मतलब है इस क्वेश्चन में मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी वन है, क्योंकि ये इसके बराबर था और ये वन था, ये वन तो था क्योंकि एक ग्राम एटम का मतलब वन होता है, तो ये वन तो ये वन, तो इसके अंदर मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकल के आया वन। अब बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पूछी नॉर्मेलिटी है कि मैं पूछ रहा हूं पहले मोलैरिटी बताओ, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल कितना निकाले वन और वॉल्यूम क्वेश्चन में कितना दिया है वन लीटर, इसका मतलब वन अपॉन वन, तो ये क्या हो गया वन मोल्स पर लीटर, ये क्या आ गई, ये इसकी मोलैरिटी आ गई। और जब मोलैरिटी आ गई तो फॉर्मूला नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी बराबर एक्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने ओएच है दो, तो इसका एक्स कितना हो जाएगा, तो इसका एक्स हो जाएगा टू। अब आपको मोलैरिटी मालूम है वन और ये है टू, तो वन को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मेलिटी टू नहीं आ जाएगी, और इसका आंसर ये देखिए लिखा हुआ है टू नॉर्मल। तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे पीओसी के ऊपर, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी नई हेडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।